बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। स्वदर्शन चक्र फिराना माना पूरे सृष्टि चक्र के ड्रामा में मेरा रोल क्या है, परमधाम से आने के बाद वापिस परमधाम जाने तक मैं क्या क्या करता हूं, ये सारा चक्र मेरी बुद्धि में, ये है स्वयं का दर्शन करना, परमधाम से इस पृथ्वी पर आना और वापिस घर जाना। और दूसरी बात, जो कुछ ड्रामा में चल रहा है, जो कुछ ड्रामा में चल रहा है, ये सब नूंद है, एक्यूरेट है। जो कुछ भी ड्रामा में चल रहा है वो एक्यूरेट है। कोई कह रहा है कि वो ग्रह इतनी दूर है, वो आज पहली बार तो नहीं कह रहा है, 5000 साल पहले भी कहा था। कौन सी ज्ञान को पाने, गंगाएं हैं जो अपने घूमती रहती है, धूमकेतु हैं, जितने भी ग्रह उपग्रह, वो आज भी कह रहा है तब भी कह रहा है, हर 5000 साल बाद कहेगा, हर 5000 साल बाद वो वहीं के वहीं होंगे जहां आज है। बेहद का हद सारी खत्म हो जाती है ना। दुनिया वालों की बुद्धि में है कि संसार की बाकी बातें तो नहीं बताते ना, हम अपने आप को जान ले, हम अपने अपने करैक्टर को ऊपर उठा ले, यही हमारे लिए। बाकी जो बेहद में आने का मतलब कि संसार के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो एक्यूरेट, जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी कीड़े मकोड़े प्रकृति का कोई भी एक छोटे से छोटा पार्ट, वो इस ड्रामा से बाहर नहीं है। वर्ल्ड ड्रामा मीन्स वर्ल्ड ड्रामा, बेहद का ड्रामा मीन्स जहां कोई हद नहीं, वो एक्यूरेट चल रहा है। लेकिन परंतु किंतु ऐसा नहीं करता, ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं होता, ये लेकिन परंतु तो ये नहीं होता, लेकिन परंतु जो है, कल मुरली में बाबा ने कहा विकल्प, ये सब क्या है, विकल्प है ना, विकल्प आएंगे कब, नहीं जब मुझे ये स्पष्ट हो कि मैं आत्मा हूं। देह को विकल्प आते, आत्मा को विकल्प नहीं आते। देह के कारण हम हद में आ जाते हैं, सारी दुनिया की दृष्टि देह के कारण हद में हो गई है, देह के कारण हद में हो गई है, और हद में होने के कारण वो बेहद को नहीं समझ सकते। जब हम आत्म अभिमानी बनेंगे, सोल कॉन्शियस बनेंगे, तो हम बेहद में आते हैं। हम बेहद में आए तो हम बेहद को फिर कैसे अपने अनुभवी बने। पहला कहा कि स्वदर्शन चक्र फिराओ, कि पहली बार हम सारे संसार की आत्माएं नहीं मिल रही हैं, हर कल्प में हम परमधाम सारी आत्माएं जाती हैं, फिर सारी आत्माएं हम परमधाम से आती हैं अपने अपने टाइम पर, फिर परमात्मा से पढ़कर वापस फिर परमधाम जाती हैं। अब ये फिर ड्रामा, दूसरे शब्द क्या दिया, ड्रामा में जो चल रहा है ये सब ड्रामा में नूंद है। जितने भी साइंटिस्ट हुए उन्होंने जो जो कहा वो हर 5000 साल बाद कहते, हर 5000 साल बाद कहते, पर तो कहने वाले अल्प बुद्धि है, अल्पज्ञ है, सर्वज्ञ हो नहीं सकते, क्योंकि कलयुग का टाइम है, सर्वज्ञ हो नहीं सकते। अब उनकी बुद्धि जितना देख सकती है, जितना सोच सकती है, जितना समझ सकती है, उतना ही तो वो बताएंगे। परंतु अब परम पिता परमात्मा आकर समझाते कि ये सब नूंद है, सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता, इतना एक्यूरेसी है कि सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता।
वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हू बहू हर 5000 साल बाद रिपीट होनी है। ये बात बुद्धि में अच्छी तरह आ जाए तो बेहद में टिक सकते, तो बेहद में टिक सकते, फिर हद में नहीं आएंगे, फिर उनकी जो स्टेज है वो बेहद की बन जाएगी। बेहद माना सर्व के कल्याण की भावना। गाते सारे आए सर्वे भवन्तु सुखिना, परंतु नहीं हुए। सर्वे संतु निरामया गाया, क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि खुद को वो बेहद में नहीं। बेहद में टिकने के लिए ध्यान पर रहे कि अब विनाश होना, हमें वापस घर जाना है। पावन बन करके हम घर जाएंगे। कोई भी आत्मा, कोई भी दुनिया का छोटे से छोटा एलिमेंट प्योर बनेगा। जब वन 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 होगा, हर एलिमेंट अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होगा। आज जहां जो एलिमेंट है, जो चीज है, वह 5000 साल बाद वहां होगी। हर 5000 साल बाद पूरा वर्ल्ड हूबहू रिपीट होना है। हर एक्शन रिपीट होना है। हर तत्व को, हर छोटे से छोटे चीज को, बड़े से बड़े चीज को अपनी उसी ही जगह पर पहुंच। जब हम सारे घर होंगे, सब चीज अपनी अपनी जगह पर होगी।